सावास कचरा मारे रहो यार, ये पीछे बॉडी बनी है, ऐसी बन जाए तो फिर करना पड़ेगा। पैदल आए भाई, आलमबाग से यहाँ तक पैदल आता हूँ, इसी बात देखा हुआ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप लोग देख रहे हैं वापस ऐसे व्लॉग्स, और मैं आया हुआ था सारांश भैया के यहाँ पे ऑटो एज। तो बस मैं ऐसे ही आज आया था, और अभी यहाँ से जिम निकलना है। तो आज मैंने सोचा एक छोटा सा जिम टूर दे दूँ अपना, और प्लस साथ में आज बैक की एक्सरसाइज है, तो मैं बैक की एक्सरसाइज दिखा दूँगी। तो ये भैया का पीछे का पूरा इलाका है, ये भैया का इलाका है, यहाँ पर कोई ना कुत्ता भौंकता है ना कुछ करता है, यहाँ से भैया बोलते हैं। तो मैं जिम चलता हूँ, आज मैं सोच रहा हूँ जिम का टूर दे दूँ, और प्लस साथ में बैक की एक्सरसाइज है, तो बैक की एक्सरसाइज भी दिखा दूँगा। प्लस उसमें कुछ है नहीं, तो जितना है उतना ही है। और बच्चे हमारे वहाँ पे एकदम लगे हैं आग वाग के लिए, खूब ढेर सारा बना चुके हैं। कैसे हैं भैया? भैया अभी बहुत बिजी हैं, बात बात कर रहे हैं। भाई बच्चों को भी मिलवा देते हैं आपको, फिर उसके बाद निकलेंगे जिम। सावास कचरा मारे रहो। आग जलाने का इतना वो हो गया कि भैया ने अपने घर से पूरी लकड़ियां उठवा के यहाँ ले आए। कचरा को जानते हो कौन है? कचरा नहीं जानते? किसी ने लगान मूवी देखी? लगान मूवी नहीं देखी? किसी ने लगान मूवी देखी? आमिर खान की देखी है? देखी है ना, उसमें कचरा नहीं देखे? मार कचरा तू मार। चलो फिर इसी बात में अच्छा हो जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा रात के टाइम थोड़ा आग वग जल जाएगी। तो चलता हूँ मैं जिम, अब बाद में मिलता हूँ आप लोगों से। देख सकते हैं स्टार्टिंग ही कितनी अच्छी हुई है, हमारे जिम के ट्रेनर हमारे सामने खड़े हैं। ये है विशाल भाई जो हमारे जिम के ट्रेनर है। तो जिम टूर से सबसे पहले शुरुआत करना है तो ट्रेनर ही शुरुआत करना पड़ेगा। भाई आलमबाग से यहाँ तक पैदल आता हूँ, इसी बात देखा हुआ। चलिए अपना जिम का टूर लेता हूँ। तो जैसे कि आप ये एरिया देख रहे हैं, ये है कार्डियो सेक्शन, और यहाँ पे होता है जितना भी वो सब कुछ चीज़ें हैं। बाकी ये पूरा जिम है, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जितनी भी मशीनें होती हैं सब हैं, ए टू जेड। बैक एक्सेस, लेग स्ट्रेशन से लेके लेग वर्कआउट से लेके जितनी भी होती हैं यहाँ पे मैं वो करता हूँ, डेडलिफ्ट। तो ये सारी चीज़ें, और बढ़िया जिम है, मज़ा आती है, सही है, वेट वेट भी ठीक है, बढ़िया है, ट्रेनर बढ़िया है हमारे। तो बस यही है, और एक ये वाली मशीन है जो ख़राब हो चुकी थी, वरना ये सबसे अच्छी मशीन है ऐप्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। चिनअप बैक का तो
तो जस्ट अभी मैं अपना करके बैठा हूँ और 110 प्लस रॉड में गया हूँ, और पीछे मेरा भाई भी साथ में कर रहा है, वो भी ब्लैक वर्कआउट कर रहा है शायद। हाँ, तो बैक वर्कआउट कर रहा है, यही एक्सरसाइज मुझे अभी करनी है थोड़ी देर बाद। तो और बस इतना ही है, और इसके बाद जो भी होगा मैं आपको दिखाता जाऊँगा। उसके बाद ढेर सारी वो भी रहता है कि क्या बोलते हैं, बैक की एक्सरसाइज हैं और भी सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब आगे करते हैं, और भाई हमारा पीछे मस्त करके खड़ा है। अब मुझे लगाना है ये लैट पुल डाउन, क्लोज एंड वाइड दोनों लगाना है। तो चलिए लगाता हूँ, शुरू करता हूँ। अब ये वाली एक्सरसाइज है, मैं इस एक्सरसाइज का नाम भूल चुका हूँ, मैंने सर से पूछा भी था लेकिन तब भी नाम भूल गया हूँ। तो इस एक्सरसाइज में क्या होता है कि ऐसे हाथ करके आपको पीछे की तरफ पुल ऑफ करना होता है, इससे बैक का एक्सटेंशन होता है। तो अब ये लास्ट एक्सरसाइज है, और इसका है 60 kg, 30 इधर 30 उधर। तो मेरा भाई है साथ में, तो वो कर देगा, थोड़ा बहुत बना देगा। तो चले बनवाते हैं। और इस वाली वीडियो में मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो आपको अब दिख रहा होगा कि साफ साफ कैसे करना होता है। आप थोड़ा हल्का सा डाउन होइए और पीछे की तरफ एक्सटेंशन, और हाथ को जितना हो सके आगे तक लेके आइए, क्योंकि वही एक्सटेंड करता है पीछे वाली मसल्स को। तो बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है बैक की। है क्या बता रहे थे आप? क्या बता रहे थे आप? वर्कआउट हाँ करो अच्छे से। नहीं, मैंने कहा कि इनसे ट्रेनिंग वेनिंग करते हैं आप, तो थोड़ा हंसी मजाक कर लीजिए, ये अलग ही बता रहे हैं। सीरियसनेस चाहिए। नहीं, उसके बाद वर्कआउट के बाद एक चीज़ और है। एक हमारा जिम है, मतलब जो दूसरे के जिम होते हैं वो कहते हैं फिटनेस पे फ्री रहो, ये रहो, लेकिन ये अच्छी चीज़ भी है। हम लोग यहाँ प्रसाद के तौर पे रोज़ ट्यूसडे को क्या मिलता है, पेड़ा मिलता है, लड्डू, बेसन के लड्डू मिलते हैं, वर्कआउट वाला प्रसाद मिलता है यहाँ पे। तो जो लोग आ सकते हैं, जिन लोगों को प्रसाद खाना हो विथ वर्कआउट, वो भी यहाँ आ सकते हैं। तो अब ड्रॉइंग करने जा रहे हैं हम लोग। अब यार एक्सरसाइज के नाम मुझे याद नहीं रहते हैं, और जैसे कि आप देख रहे हो वेट नीचे 4 बचे हैं, जो कि 3 सीरीज होती है, तो उसमें से एक अभी मैं मारूंगा, फिर 2 और कम करके मारूंगा, फिर लास्ट पूरा मारूंगा। दिखाता हूँ वीडियो आपको। जिम हो चुका है यार, ये पीछे बॉडी बनी है, ऐसी बन जाए तो फिर। तो अभी जिम हो चुका है, तो अभी मैं चल रहा हूँ नीचे और निकलता हूँ, क्योंकि लेट भी हो रहा है काफ़ी, और भैया इंतज़ार कर रहे होंगे, तो भैया से भी जाके अभी गाड़ी लेनी है, वहाँ से निकलना है। तो चलता हूँ जल्दी। आज जिम बड़ा अच्छा हुआ यार, डेडलिफ्ट मेरा 110 किया, बहुत मज़ा आई मुझे। और ऐसे ही जिम अच्छा होता रहे यार। बैक में आपने शायद देखा होगा, तो मैंने उसमें एडिट करके डाला है कि जो बेल्ट लगाते हैं ना, वो अपनी बैक की स्ट्रेंथ के लिए लगाते हैं, कहीं बैक मुड़े तो कुछ हो तो बेल्ट संभाल ले। तो चलिए अभी मैं चलता हूँ, फिर ऑटो एच से अपनी गाड़ी उठाता हूँ, निकलता हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ वापस से ऑटो एच पे, और भैया के साथ बैठा हूँ मस्त तरीके से, आग जल रही है यहाँ पे। साथ में हमारे प्रदीप भाई भी हैं। प्रदीप भाई, आप बहुत फेमस हो गए, बहुत लोग आपको देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्ते करो बेटा। तो ये हमारे प्रदीप भाई हैं, ये बड़े मस्त आदमी हैं। आदमी हो गए हो कि नहीं हुए हो अभी? ये अकेला लड़का है जो अकेली ये गाड़ी का इंटीरियर कर सकता है 2 घंटे के अंदर।
अच्छा मतलब काबिलियत वाला आदमी है ये। तो भाई हम लोग आके बैठे हुए थे, आग वाग थाप रहे थे, तो आज हमने जैसे आपने देख ही लिया है उसका वो कि मतलब मैंने जिम टूर के ऊपर ही पूरा वो बनाया है, तो देख भी लिया आपने, आज बैक किया है जिम में, जितनी भी चीज़ें थी सब दिखा दिया, बढ़िया जिम है, मस्त जिम है, शांति रहती है, थोड़ा अच्छा रहता है, लोग भी बढ़िया रहते हैं, तो मज़ा आती करने में। तो होप सो आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, जिन लोगों को भी अच्छा लगा हो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना, और इसके बाद वाला व्लॉग एक बहुत अच्छा व्लॉग आने वाला है बाय यूट्यूब मनी, तो आप लोग देखते रहिए और बस सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।